तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दसवीं की अंग्रेजी विषय की पूरी क्वेश्चन बैंक का हल देखने वाले हैं, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा इसको जारी कर दिया गया है 2022-23 की परीक्षाओं के लिए कक्षा दसवीं अंग्रेजी विषय की। मैंने इसके पहले भी एक इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने इसके पूरे पेजेस कवर करवा दिए थे, और आज के इस वीडियो में हम इसका सेक्शन सी देखने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में आज हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे और समझेंगे। इसी के साथ में आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसको समझाने के साथ साथ में आपको पूरा इसका सॉल्यूशन भी यहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो आप वैसे तो सेक्शन बी भी आपको समझना है, इसमें लेटर वगैरह दिए गए हैं, तो किसी रोज़ में एक अलग वीडियो में ये भी आपका कंप्लीट करवा दूंगा। और ये यहाँ पे आपसे नोट मेकिंग समरी भी पूछी गई है। वैसे तो आप लोगों को नोट मेकिंग समरी आती होगी, और अगर नहीं आती होगी तो इस वीडियो के अंत में आपको मैं एक एंड स्क्रीन प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसके ऊपर जाके देखकर उस वीडियो को नोट मेकिंग समरी को सीख सकते हो। पर आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आप सबके लिए। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सेक्शन सी जो होता है आपका ग्रामर का, उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और ड्यूल डायरेक्टेड। तो आपका एक सेक्शन सी का फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इनको फटाफट हम सॉल्यूशन करते हैं इनका। ही नो द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका ही नो द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट विच हू वेयर, इसमें हूँ आ जाएगा दोस्तों, हू इज वेयरिंग ब्लू शर्ट, तो ये आपको लिख लेना है। हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल, तो इसमें दोस्तों एन आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहे हैं, किस प्रकार से, तो दोस्तों इसके लिए आपको मैंने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पूरी वीडियो सीरीज बना के डाल रखी है पहले से ही। इस वीडियो के अंत में आपको मैं उसकी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से प्रत्येक चीज़ों के वीडियो देख के आप आसानी से इनको वहाँ से सीख सकते हो। अगला देखें, देर इज़ नो वाटर इन द पूल, तो देखिएगा इसमें ए नहीं आएगा क्योंकि इसमें नोट आ रहा है इस वजह से। ही हैज़ मैनी प्ले, तो इसमें दोस्तों ब्रिटन आ जाएगा। आई टेक योर पेन, इसमें माए आ जाएगा दोस्तों। वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो दोस्तों इसमें अब तक मस्ट आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वेन आई वाज यंग आई क्लिम द ट्रीज, तो इसमें दोस्तों आपको कैन लिख लेना है। आई हैव नॉट बाउट मिल्क टूडे, तो देखिएगा इसमें भी हैव नॉट आया है, तो इसलिए इसमें ए नहीं आएगा। हाउ स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे, तो देखिएगा हाउ मैनी, तो देखिएगा इस जगह पर मैनी आएगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए इसमें मैनी आ जाएगा। अगला देखते हैं यहीं पर, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कई विद्यार्थियों की समस्या होती है कि वो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इस वजह से उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर देखें, जिससे कि पूरा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। अगला देखते हैं इसके बाद में, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, हाउ मच आ जाएगा इस जगह पर क्योंकि शुगर अनकाउंटेबल होती है। द अर्थ राउंड्स, तो इसमें मूस आ जाएगा। ही ऑलवेज वन टाइम, इसमें आपका कम्स आ जाएगा। गंगा इज ए सेक्रेट रिवर, तो इसमें आपका द आ जाएगा क्योंकि गंगा एक महान नदी है। अरुण इज टेलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम, तो इसमें आपका ए आ जाएगा। हिज फादर इज, यहाँ पे देखिए वैसे तो कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, ये मिस टाइपिंग हुई है। अगर एमएलए इस टाइप का यहाँ पे अगर होगा, वैसे एमएलए होना चाहिए यहाँ पे, तो इसमें आपका ए ना जाएगा फिर, तो आपको ये लिख लेना है। क्योंकि आप तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा, जितने भी ऐसे शब्द आते हैं जो कि जिनकी शुरुआत में आपको ऐसे डॉट लिखे हुए मिले, जैसे कि आरजे आया था ऊपर, तो इन सबके आगे आपको एन लगाना है, तो ये कर लेना है आपको। आगे देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हर हेयर मॉर्निंग सिंस, तो इसमें सिंस आ जाएगा क्योंकि ये समय बिंदु है। समय बिंदु के लिए सिंस आता है और समय सीमा के लिए फोर आता है, ये आपको भी टेंस पढ़ते समय सीख लिया होगा आपने। वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज थ्री ईयर्स, देखिएगा अब यहाँ पे आपको समय सीमा दे रखी है, तो इसलिए इस जगह पे फोर आएगा, थ्री ईयर्स। दे विल गो टू दिल्ली मंडे, तो इसमें आपका ऑन आ जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर, तो इसमें आपका इन आ जाएगा, इन कश्मीर इन अप्रैल, अप्रैल में मैं कश्मीर जाऊंगा, तो इसमें एन आ जाए, इन आ जाएगा। हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो इसमें आपको ऑफ लिख लेना है। हिज अप्रेड ऑफ डॉग्स, तो इसमें आपको ऑफ लिख लेना है। और अगला देखें, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस आई एम इल, तो इसमें आ जाएगा बिकॉज, मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। यू वर्क हार्ड विल पास, तो इसमें आपका आ जाएगा इफ।
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप कठोर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। अगला देखते हैं, आई प्रिपेयर कॉपी टी, तो इसमें आपका देना आ जाएगा, मैं चाय की अपेक्षा कॉपी लेना पसंद करता हूँ, ये इसका मीनिंग है। अगला देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव्ड, तो देखिएगा दोस्तों इसमें क्या आएगा, 25वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपका बिफोर आ जाएगा। अगला देखते हैं, भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, तो इसमें आपका देन आ जाएगा, वी वेयर मेकिंग काइट्स वेन फादर अराइव, तो देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, अराइव्ड आ जाएगा, तो ये इसमें आपको लिख लेना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 27 के बाद में आगे के हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, डोंट लीव द प्लेस आई कम बैक अंटिल, इस जगह पर आ जाएगा, जब तक मैं नहीं आऊँ आपको ये जगह नहीं छोड़नी है, तो इसमें आपको अंटिल लिखना है। आई बाई द मोबाइल इफ आई एड मनी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 जो दे रखा है इसमें आपको वुड लिख लेना है, ये आ जाएगा आपका। सी गो टू द टेम्पल एवरी डे वेन सी लाइव्ड इन द विलेज, तो देखिएगा इसमें आपको क्या लिख लेना है, सी विल आएगा, वुड आएगा, क्या आएगा ये आपको बताना है, तो इस जगह पे आपका विल आ जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे विल लिख लेना है। ही वॉन्टेड टू द टू एन इंजीनियर बिकम्स, तो इसमें आपका बिकम आ जाएगा। माई फादर इज ए टीचर रिटायर्ड आ जाएगा इस जगह पर। ही अवॉइड द स्ट्रेंजर टाक, तो इस जगह पर आपका टाक आ जाएगा, ये आपको लिख लेना है। अगला देखते हैं 34वां, गुड विल नॉट बी टेकन, तो सेलिंग इस जगह पे आ जाएगा। आप तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, अगर शुरू में यहाँ पे खाली स्थान दिया है तो आपको यहाँ पर ये लिख लेना है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो 34वें नंबर के क्वेश्चन में आपको ये सेलिंग कर लेना है। आई हियर्ड सम किड्स फॉर्म सूट, तो इस जगह पर ये लिख लेना आपको। तो दोस्तों अगर आगे देखा जाए इसमें तो अब 32 के बाद में 33 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ही अवॉइड टू स्ट्रेंजर्स, देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा अपना, इसमें आ जाएगा आपका टाक, इसके ऊपर आपको चिन्ह लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, गुड विल नॉट बी टेकन, तो इसमें आपका सेलिंग आ जाएगा। आई हियर्ड सम किड्स फॉर हेल्प, तो इसमें आपको क्या लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 35 में इसमें आपको शाउटेड आ जाएगा, ये आपको इसमें लिख लेना है। वर्क हार्ड यू विल फेल बट एंड और, इसमें क्या आ जाएगा, तो 36 में जो दे रखा है इसमें आपको और लिख लेना है, इसमें आपका और आ जाएगा। और इसी के अलावा दोस्तों अगर आगे देखा जाए तो आगे भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आगे किस में क्या पूछा जाएगा, तो आप सभी कुछ तैयार यहीं पे कर ले, वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखें क्योंकि अभी इसमें डुएस डायरेक्टेड और भी बचे हुए हैं वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 34 की बात की जाए, 34 कर लिया था हमने, 35 भी हो चुका था, 36 देखते हैं, वर्क हार्ड यू विल फेल, ये भी हो चुका था, 37वां देखते हैं, ही इज हावर लेट, इसमें दोस्तों आपको एन लिख लेना है। अगला दे रखा है, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, इसमें आपको दोस्तों फेव कर लेना है। अगला लिखा है, ही हैज गिवन स्मोकिंग, अभी इसमें आ जाएगा दोस्तों, वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, तो देखिएगा दोस्तों इसमें आपको क्या लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका सूट आ जाएगा, तो ये आपको कर लेना दोस्तों, ये 40 के 40 मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये डिटर्मिनर्स दिए गए हैं जो कि दोस्तों ऊपर ही आ चुके हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर में हमने 40 किया उसी में से यहाँ पर अलग अलग छांट के दिए गए हैं, तो आप ऊपर से ही इनको समझ सकते हो दोस्तों। इसके अलावा ये मॉडल्स दी गई है, ये वर्ब्स दी गई है, फिर भी मैं एक बार आपको मोटा मोटा इनको दिखा देता हूँ। देयर इज वाटर इन द पूल, तो देखिएगा इसमें आपको आ जाएगा सम, इसमें आपको सम कर लेना है। आई हैव नॉट बॉट मिल्क एनी, तो इसमें आपका एनी आ जाएगा। ये स्टूडेंट आर प्रेजेंट टूडे, तो देखिएगा देयर हाउ मैनी, तो इस जगह पर आपको मैनी आ जाएगा। हाउ सुगर डू यू टेक इन द टी, तो देखिएगा इसमें आपको हाउ मच आ जाएगा इस जगह पर। विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, तो इसमें सम आ जाएगा। आई हैव फ्रेंड नो, इस जगह पे आपको नो लिख लेना है। आई टेक यूर पेन नीड माई यूज्ड, इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, माई आई टेक आ जाएगा इस जगह पर। वे टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो देखिएगा इस जगह पे आपको आउट शुड मस्ट आ जाएगा, क्या आएगा इस जगह पर, तो इस जगह पे आपको शुड मस्ट लिख लेना है। अगला वेन आई वाज यंग आई क्लेम प्री, तो इस जगह पे आपको कैन कर लेना है। आई बाई दैट मोबाइल, तो देखिएगा इसमें क्या आएगा, इस जगह पे आपको वुड लिख लेना है। सी गो टू टेम्पल एवरी डे वेन सी लाइव इन द विलेज, तो देखिएगा इस जगह पे आपको लिख लेना सी विल गो। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वी वियर मास्क इन क्राउड प्लेस, तो देखिएगा इस जगह पे शुड यूज, इस जगह पे आपको शुड लिख लेना है। आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है इस जगह पर माई लिख लेना है। और अगला माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट, तो देखिएगा इस जगह पे आपको कैन लिख लेना है। यू ड्राइव केयरफुली, यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, ये इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो ये वर्ब्स दे रखी है, यानी कि इनमें क्रियाओं की गलती की गई है, इनको भी आपको सुधारना है। ही हैज मैनी प्ले,
ब्राइट्स इस जगह पर ब्रिटेन आ जाएगा, द अर्थ मूव्स आ जाएगा इस जगह पर, ही ऑलवेज वन टाइम कम्स आ जाएगा इस जगह पर, दे हैव बीन प्लेइंग हर मॉर्निंग इस जगह पर सिंस आ जाएगा, वी हैव बीन स्टडिंग इन द कॉलेज 3 years इस जगह पर 4 आ जाएगा, वी वेयर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड आ जाएगा इस जगह पर, ही वॉन्टेड टू द एन इंजीनियर तो इस जगह पर आपको बीकम कर लेना है, माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर ये आ जाएगा, और आगे अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके डूएस डायरेक्टेड की। जी हाँ दोस्तों, डूएस डायरेक्टेड भी आपसे 5 नंबर से पूछे जाएंगे। अगर दोस्तों आपको डूएस डायरेक्टेड कम्प्लीटली अच्छे से करना है तो आपको इस वीडियो के अंत में एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके सभी वीडियो को जरूर देख ले, आपके डूएस डायरेक्टेड वहाँ से कम्प्लीट जरूर हो जाएंगे। पर दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आपके डूएस डायरेक्टेड दे रखे हैं इन सबका भी सोल्यूशन मैंने बना के तैयार कर लिया है, तो अभी आप ये क्वेश्चन नोट कर ले दोस्तों, और इसी के साथ में मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये सभी के सभी क्वेश्चन है दोस्तों। हो सकता है कि अभी तक ये प्रश्न बैंक आप तक पहुँच गई हो, और अगर नहीं पहुँची हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी प्रश्न बैंक डाउनलोड करने की लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इन प्रश्न बैंक को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी कुछ ये यहाँ तक के पूरे देख लें, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पर पूछी गई है। अब चलिए मैं इसको आपको सॉल्यूशन वाला चीज़ें बताता हूँ कि इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन बनेगा, और आप कहाँ से दोस्तों इस प्रश्न बैंक को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए आप, ये मैंने वीडियो बनाने में असुविधा ना हो इसलिए आप सभी के लिए डूएस डायरेक्टेड पहले से ही कॉपी पे लिख लिए थे, बना लिए थे, क्योंकि वीडियो में चलते समय बनाने में और आपको बताने में एक एक करके उसमें समय लग जाता, तो इसलिए मैंने सारे यहाँ पे आपके लिए बना लिया है, जिससे कि आपका समय भी बर्बाद ना हो और आप अच्छे से इनको नोट भी कर पाओ। तो दोस्तों ये 1 से लेकर 11 तक के आंसर है डूएस डायरेक्टेड के, आप सभी कुछ इसको यहाँ से नोट कर सकते हो, बड़े ही अच्छे से यहाँ पर आपको स्पष्ट नज़र आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी हैंडराइटिंग भी आपको समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, या पूरी भी अगर आ रही तो आप बताइएगा मुझे, क्योंकि मैंने इसको टाइप नहीं किया है, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता, तो इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिख दिया है। और आगे दे रखे कुछ डूएस डायरेक्टेड, आप लोग इनको भी नोट कर लें, और हमें भी ज़रूर बताया कि आपको इस तरह की PDF चाहिए तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, और अगर आपको यहीं से अच्छा लग रहा है तो आप इसको यहीं से नोट कर सकते हो इसको, तो आप यहाँ से इन चीज़ों को नोट कर लें पूरा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, और मुझे ये भी थोड़ा सा संदेशा जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें से कई सारे डूएस डायरेक्टेड आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि सर आपने कैसे बता दिया हमको, तो कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ रहा है। तो देखिएगा, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, जैसे कि सो देट का प्रयोग या कुछ इस प्रकार के प्रयोग हैं, जिसका कि मैं आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के अंत में आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट होगी पूरी, उसमें 6-7 वीडियो हैं लगभग, आप सभी वीडियो को जरूर देख लें तो आपके डूएस डायरेक्टेड वहाँ से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के अलावा कुछ ये दिए गए हैं, आप लोग इनको भी देखिए और पूरे कंप्लीट कर लें आप लोग इनको, और इसी के अलावा कुछ ये दिए गए हैं तो आप इसको जरूर कंप्लीट कर लें, और इस जगह पे ध्यान रखें टेकन आएगा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट ये समझ लीजिएगा, ओवर राइटिंग मैंने कर दिया इस जगह पर, तो इस वजह से थोड़ा सा, और एक इस बात का भी ध्यान रखिएगा इफ यू डू और यू और इसके बाद में यहाँ पर डू नॉट आएगा, मैं लिखना भूल गया था तो ये बाद में लिखा मैंने यहाँ पर, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल इस प्रकार से ये हो जाएगा। और उसी के अलावा कुछ चीज़ें ये दे रखी है, आप लोग इनको भी देखें और बराबर नोट कर लेंगे, व इसी के अलावा कुछ ये दे रखे हैं आप लोग बराबर देख लें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नज़र आ रहे हैं ये। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी बेहतर सामग्री आप सभी को उपलब्ध करवाता रहूँ, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को नोट करें। और क्या आपको ये वाली PDF चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसकी PDF भी हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप सभी लोग इसको देख लें अच्छे से, पूरा का पूरा ये मेरे द्वारा बना लिया गया है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा फर्स्ट वाला चैप्टर नहीं देखा हो इसका पार्ट, तो आप उसको ज़रूर देखें, इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बैंक के ऊपर ये मेरा पार्ट 2 है, पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूँ, और जल्द ही दोस्तों इसका पार्ट 3 भी आने वाला है, जिसमें मैं आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज और पोएट्री समझाऊंगा, और इसके अलावा जितनी भी सारी चीज़ें बची हुई आपकी क्वेश्चन बैंक की मैं आपको पार्ट 3 में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।